नमस्कार दोस्तों, भारत चिकित्सा पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास है हविंता का ये नेचुरल हेयर शैम्पू, पाउडर शैम्पू है दोस्तों। आपको याद होगा मैंने जस्ट इससे जो एक वीडियो पहले की है उसमें खादी ओमरोस का नेचुरल हेयर शैम्पू पाउडर वाला उसका रिव्यू मैंने बनाया था। आप समझ सकते हैं उसी श्रृंखला में ये एक दूसरा वीडियो है, दूसरे ब्रांड का है। काफ़ी सारी चीज़ें इनमें मिलती हैं, कुछ भिन्न भी हैं, सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की एक पैकेजिंग में मुझे मिला था, अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया था इसे और ठीक ठाक पैकेजिंग मुझे लगी। और जहाँ तक इसकी बात है आप देख सकते हैं डिसेंट ही है, कुछ खास नहीं कहूँगा बट ओके है। आप इसको स्टोर करना चाहें तो आप किसी कंटेनर में भी रख सकते हैं अगर आप इसमें ना चाहें तो। और देख लीजिए, इसमें सबसे पहले इसके जो मुख्य घटक हैं वो आपको बता दूं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है चार इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों। इसमें आपको मिलता है आंवला, शिकाकाई, रीठा और मेथी दाना का पाउडर। तो इन चार चीज़ों से दोस्तों ये बना है। और कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें आप अपने बालों के लिए चाहते हैं, सामान्यतः जितनी भी समस्याएँ जिनसे आप कहीं ना कहीं मुक्त होना चाहते हैं, वो सभी चीज़ों को ये शैम्पू एड्रेस करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल हेयर वॉशर, मेक्स हेयर सॉफ्टर शाइनियर, हेयर लॉस को कम करता है, डैंड्रफ कम करता है, कंडीशनर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ बढ़ाना हो, जितनी भी चीज़ें हैं, प्री मच्योर ग्रेइंग को रोकना हो, समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, डीटैंगलिंग जो जट पड़ जाते हैं बालों में उसके लिए बहुत अच्छा है, और स्प्लिट एंड्स आजकल जो बहुत एक कॉमन चीज़ है या कई प्रकार के एडवर्टिजमेंट्स में आप देखते हो, तो लोगों को भी इस तरह की चीज़ें वर्ड्स लोग आजकल यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो ये घातक शैम्पू हैं जो आपको बाज़ार में मिलते हैं, चाहे वो यूनिलीवर का हो, पैंटीन, पीएनजी, जितने भी, ये पूरा गार्बेज है, एसएलएस, यूरिया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया था। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, मतलब स्वास्थ्य क्या, बालों के हेल्थ बोलो या आपकी पूरी इंटरनल बॉडी की हेल्थ, दोनों को ही डैमेज करते हैं चीज़ें। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई कैसे इतना ब्रेन वॉश हो सकता है कि इस तरह की चीज़ों को खरीदे। निश्चित ही एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, जिस वजह से लोग इस तरह के शैम्पू आदि ले लेते हैं। और अभी बीते सालों वर्षों में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी जागृति भी आई है, लोग इन चीज़ों से अब दूर जा रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार का विकल्प उन्हें दिया जाता है। और चाहे खादी ओमरोस की बात कहूँ या हविंता की बात कहूँ, दोनों ही उसी दिशा में काम करते हुए नज़र आते हैं। देख लीजिए, कुछ डिटेल्स आपको बता दूँ, 227 ग्राम का दोस्तों ये है और मुझे शायद ये 251 का पड़ा था, अब जाके चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन पे क्या प्राइसिंग अभी चल रही है, लेकिन ये 227 ग्राम का है। और दोस्तों रही बात इसको यूज़ करने का या मुझे कैसा लगा इसको यूज़ करके, तो मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि जैसे ही आप इसको मतलब खोलते हैं, एकदम से आपको ऐसा लगता है कि पूरे पैकेट में जैसे आंवला ही भरा हुआ है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्मेल आती है आंवला की। निश्चित ही हो सकता है आंवला की मात्रा ज़्यादा हो या अपना गुड़ भी है, किस तरह का अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का क्या कॉम्पोजिशन है वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो आप देख लीजिए दिखने में कैसा है, पूरी तरह से दोस्तों प्राकृतिक है, कोई भी फिलर, कोई भी प्रिजर्वेटिव, कलर्स का कोई सवाल ही नहीं है। आप देख लीजिए कुछ इस तरह का यह दिखता है। यहाँ पर मैंने कुछ पानी इसमें डाला और देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया एक पेस्ट यहाँ पर बना है, काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। मैंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं किया है, अब डिपेंड करता है भी कौन यूज़ कर रहा है, छोटे बाल है, लंबे बाल हैं, उस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कई प्रकार की विधि को भी यहाँ पर बताया गया है, हेयर शैम्पू की तरह यूज़ करना है या हेयर मास्क की तरह यूज़ करना है। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि आप इसको लगा के 5 से 10 मिनट रखें, और अगर मास्क की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप दही आदि भी ऐसा मिला सकते हैं और आधे घंटे तक भी रख सकते हैं और उसको बालों पे लगा के।
तो आप देख लीजिए आपको कैसा मतलब सूट करता है। सारी ही चीज़ें बनाने की विधि आदि भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो हर चीज़ को डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात यह है कि हाँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि थोड़ा सा एक ऑयलीनेस इसमें है। जब मैंने इसको मतलब लगाया था शैम्पू करने के पहले, वो मुझे खादी ओमरोज वाले में नहीं लगा था, तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ तो डिफरेंस है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। दोनों ही अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन उसमें एलोवेरा आदि था, इसमें मेथी दाना है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं दोनों चीज़ों को। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो यही था दोस्तों डिटेल में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कृपया सभी के साथ शेयर कर दें। जो भी अच्छे ऑल्टरनेटिव चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।